वंस अगेन फ्रेंड्स, आज मुझे एक नया मोबाइल लेना था, सो आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल। मैंने सोचा कि आप लोग के सामने उसको अनबॉक्सिंग करूं, हालांकि मैंने शॉप पे ही अनबॉक्सिंग करने की कोशिश की, बट वीडियो उतना अच्छा से नहीं हो पाया, शूट नहीं हो पाया। तो अगेन अब तो मैं एक बार अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने, मुझे एक नया मोबाइल जो लेना था तो आज हम डिसाइड कर लिया है। और ये मोबाइल आईफोन 11 128 वेरिएंट में हम ले रहे हैं। कलर है इसका रेड। काफ़ी गैदरिंग है आज मार्केट में छठ की वजह से गालिबन, और तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने चाहा कि आप लोग के साथ शेयर करूं माय न्यू मोबाइल। तो मैं उसको अनबॉक्स कर चुका हूं, बट आई वांट टू शो यू ऑल एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि हालांकि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट है, कुछ कैशबैक्स है, बट पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं कि ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना, जिसकी वजह से इतने मतलब कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स को ऑनलाइन ना ख़रीदा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रेंड्स, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। आप अगर ऑफलाइन ख़रीदते हैं, शॉप पे जाके ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे आप खुद से मोबाइल का सर्वे कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई पुराना मोबाइल तो नहीं दिया गया है, वो फर्बिश मोबाइल तो नहीं है, या कोई और फॉल्ट तो नहीं है, यानी कि रिस्क फैक्टर कम है। हालांकि ऑनलाइन में कई बार ऐसा देखा गया है कि मोबाइल जो है सेकेंड हैंड वो भेज दे रहे हैं, किसी मोबाइल पर स्क्रैच रहता है तो कोई क्लोन मोबाइल भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑफलाइन में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर टू, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंस्टेंट डिलीवरी। ऑनलाइन में कम से कम आपको एक हफ्ता 10 रोज़ वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत हैंड टू हैंड आपको मोबाइल मिल जाए, तो वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। बल्कि ऑफलाइन में आप जाके, आप शॉप पे जाके तुरंत देख सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर आज डिसाइड किया कि अभी मुझे मोबाइल लेना है, तो तुरंत हम गए और जाके उसको परचेस कर लिया। दिस इज़ द बेनिफिट। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो ये है कि पर्सनल रिलेशन डेवलप करना फ्रेंड्स। हम अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉप ओनर से मिलते हैं, या उनसे बातचीत होती है, तो एक तरह का सोशल रिलेशन कायम होता है, एक तरह का सोशल बॉन्डिंग बनता है, पर्सनल रिलेशन डेवलप करता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो आपके साथ वो अच्छा बिहेव करेंगे, हो सकता है कुछ डिस्काउंट दे दे पर्सनल बिहेवियर के ऊपर, एक तरह का सोशल बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स वो ये कि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो इंडियन दुकानें हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इंडियन हैं, जो काम करने वाले हैं, जो उसकी देखभाल करने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, जो सेल्समैन वगैरह हैं, सारे के सारे इंडियन हैं, और आपका जो कैपिटल है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट होता है। जबकि ऑनलाइन कंपनीज़ को अगर आप देखिए तो वो उसमें से बहुत सारी फॉरेन की कंपनी है, तो वो जो बूस्ट अप हो रहा है, जो सपोर्ट हो रहा है, वो फॉरेन कंट्री को होता है, उतना ज़्यादा इंडियन कंपनी को बूस्ट अप नहीं मिल पाता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरेन की मदद नहीं करनी चाहिए, बट इंडिया को आपके मनी की, आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल। तो नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि फ्रेंड्स, सिंपली मैं कंफर्टेबल हूँ कि ऑफलाइन ही ख़रीदूँ और इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। देयरफॉर हैंड टू हैंड मैंने मोबाइल ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज़ ये है आईफोन 11, आप देखिए। तो ये आईफोन 11 हमने परचेस किया 128 वेरिएंट में, और इसको मैं अब अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले, लेकिन फिर से एक बार अब मैं आप लोग के सामने इसको ओपन कर देता हूँ। इट इज़ ब्यूटीफुल, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इस पर अभी भी साइन आ रहा है वेलकम टू आईफोन 11। बहरहाल अभी मैंने इसका स्क्रीन जो रैपर है उसको हटाया भी नहीं है, तो आप देखिए ये है हमारा आईफोन अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि फ्रेंड्स ये बात गौर तलब रहे कि मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसको प्रमोट कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप लीजिए। और ये भी नहीं कहता हूँ कि आप कॉस्टली फ़ोन्स वगैरह ये लीजिए, जितने में आपको आपका काम निकल जाए वो आप लीजिए, दैट्स ग्रेट थिंग। और मुझे ज़रूरत थी इसकी, इसलिए दैट्स वाई आई हैव परचेज दिस। और हालांकि आईफोन 12 भी आ गया है मार्केट में, बट ये वो जो है इससे 15-20 हज़ार महंगा है, जो आईफोन 12 मिनी है। बाकी फ़ोन और भी ज़्यादा महंगा है, 1 लाख
1,30,000 का, उतना पैसा उस पर एक्सपेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना पैसा उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली थैंक्स फॉर दिस फिल्म। अभी मैं इसको शूट करूँगा, ये 128 GB में है, तो उम्मीद करते हैं कि इट विल गिव गुड रिजल्ट। इसके साथ मुझे मिला है फ्रेंड्स ये एक चार्जर, देख लीजिए आप, और ये ईयरफोन। हालांकि आईफोन 12 में आप जानते हैं कि ये चार्जर वगैरह सब ख़त्म कर दिया गया है, ये इसके एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, आप देख लीजिए। और ये केबल है, ये केबल, इसमें डाटा केबल दिया हुआ है। उसके साथ फिर मुझे मिलता है, हालांकि ये दोबारा मुझे इसे शूट करना पड़ रहा है, बिकॉज़ जो शूटिंग मैंने शॉप पे किया था वो इतने अच्छे से नहीं हुआ। तो ये एप्पल का स्टिकर मिला हुआ है, जिसको आमतौर से लोग फ्रिज पे या किसी चीज़ पे चिपका देते हैं, मैं भी किसी पे चिपका दूँगा। और हमें मिला है इस पे ये एक छोटी सी पिन, आप देखिए एक पिन मिला है इस पे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको पढ़ने की ज़रूरत जिसको है वो पढ़े, मुझे तो शायद नहीं है इसकी ज़रूरत, ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पढ़ेगा। कुछ रूल्स बुक्स वगैरह हैं, कुछ गाइड हैं। प्रोडक्ट रेड, मुझे रेड पसंद है, रेड मेरा फेवरेट कलर है, और फाइनली आई गॉट द रेड आईफोन अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम हैप्पी नाउ। बस दैट्स इट, तो ये हो गया, इसके साथ ये सारे आइटम्स मिले हैं मुझे। अब मैं इसको रख देता हूँ, इसमें दो स्टिकर्स दिए हैं जो आप चाहे तो अपने लैपटॉप पे या फ्रिज पे या जहाँ चाहिए चिपका सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। देखिए फ्रेंड्स, अभी आईफोन 11 अगर आपको लेना है तो बहुत ही अच्छा मौका है, गो अहेड जाके इसको परचेज कर लीजिए। ये देखिए ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा 57,000, लेकिन क्योंकि उस पर कुछ डिस्काउंट है, बट उसमें रिस्क भी है, वो आप देख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे लोग के अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के बुरे रिव्यूज़ भी हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप गो अहेड, आप परचेज़ कीजिए। और ऑफलाइन यानी दुकान से अगर आप लेते हैं तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 60-61 के आसपास में मिल जाएगा। हालांकि इसका प्राइस था 78,000, सो इट इज़ ए गुड 128 वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप 64 GB की वेरिएंट में लेते हैं तो वो आपको और सस्ता मिलेगा, वो आपको 46,000 या 47,000 या 49 या 50, अलग अलग इस रेट में आपको मिल जाएगा, 50 तक में आपको वो मिल सकता है अच्छे से। तो अगर आपको लेना है तो इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, तो फिर फ्रेंड्स जो है उस पर ही शुक्र कीजिए। फ़िलहाल तो मेरे पास इसका कवर नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसका एक आईफोन केस भी मंगाना है और एक टेम्पर ग्लास स्क्रीन गार्ड वगैरह भी लेना होगा। आफ्टर देन आई विल यूज़ इट इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आपको कुछ रिव्यूज़ मैं शॉप का भी दिखा दूंगा। अरे भाई दिखा दो शॉप का रिव्यूज़ भी दिखा दो। Come on.
कुछ डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें। लास्ट टाइम भी वही था, इस टाइम भी वही है। दिवाली वाली पे कोई ऑफर नहीं आया। ओके कर दें। हाँ यहाँ से दूर है ना, तो ये कुछ पैसा नहीं निकलेगा। मशीन ही ऐसा रखे हैं ये। वाह क्या बात। इसमें मिलता है ये चार्जर और ईयरफोन और कुछ ये है एप्पल का स्टिकर है जो आप कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ क्या है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको शायद कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। चलिए बिल 10 मिनट में आपको इसको जो है अपना नाम बताएंगे। हाँ माहिरुख हसन कर दीजिए। माहिरुख माहिरुख जी तो फाइनली ये हो चुका है, अब वापसी करते हैं। इसका एक वो ले लेंगे, क्या नाम है, इसका स्क्रीन भी थोड़ा सा बड़ा है और मेमोरी इसकी स्ट्रॉन्ग है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। तो ये है केशव जी की दुकान, यहीं से हमने पहले भी मोबाइल लिया था और दोबारा फिर यहीं से हम ले रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं मिला बट ओवरऑल आपके हाथ में फ्रेश पीस है, ये सब फ़ायदा है इसका। चलिए केशव जी बहुत शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू।